نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأولياء أمته وجميع أهل السنة والجماعة أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله مولانا العظيم وقال جل جلاله عمن والوه في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماض الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق ہیں جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرما کے اس پوری کائنات میں مختلف مقامات پہ حسن اور کمال کو تقسیم کیا جوں جوں انسان کی طاقت اور استطاعت بڑھ رہی ہے اتنا ہی وہ دنیا اور یونیورس کی خوبصورتیاں اور قوتیں اور کمالات کو دیکھ کے متاثر ہو رہا ہے لیکن اللہ عز و جل نے ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جس ہستی کے اندر پوری کائنات کا کمال اور حسن جمع فرما دیا اس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج اپنی گفتگو کا بہت ضروری عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں وقت کی قلت ہے جتنی دیر آپ کے سامنے ہوں امید ہے کہ آپ 100% گفتگو کو سنیں گے اور اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے دیکھیے بازار میں اصلی چیز بھی ملتی ہے اور نقلی بھی ملتی ہے ایسے ہی ہے نا
अगर कोई शख्स नकली से दिल बहलाने की आदत डाल ले तो उसको बेवकूफ़ कहते हैं। अगर कोई जाली फूल को सूंघने की आदत डाल ले तो उसके जहन में कोई ख़राबी है। फूल का तकाजा ये है कि फूल असली हो, उसकी महक हो, उसका रंग हो, फिर ही उसके हुसन का फ़ायदा और उसके कमाल का फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे बाज़ार में नकली और असली चीज़ें मिलती हैं, इसी तरह इंसानों में भी असली और नकली मोमिन मिलते हैं। ये बड़ा ज़रूरी मौजू है क्योंकि आज की दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते भी हैं लेकिन फिर भी नकली हैं। क्या हैं? अब हम क्या जाने कि असली कौन और नकली? तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हम जाने कि असल ईमान क्या है और नकल ईमान क्या है। अगर ये हम जान लेंगे कि असल ईमान क्या है और असल मोमिन की क्या निशानी है, तो हम अपना मुहासबा कर सकते हैं कि क्या हमारा ईमान असली है या नकली है। तो आज इस गुफ्तगू में इस उर्स के हवाले से ये बात आपके सामने करना चाहता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस मौजू को क़ुरान से देखें कैसे बात शुरू की। हम समझते हैं कि महज कलमा पढ़ने से बात बन जाती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ देखिए बात बड़ी सादा है। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ कुछ लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। किस पे ईमान रखते हैं? किस पे ईमान रखते हैं? मिलके बोलो। وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ और आखिरत पे भी ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन खबरदार ये ईमान वाले नहीं है। ईमान वाले, अजीब बात है, एक वो आदमी जो कहे मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ और आखिरत के पे ईमान रखता हूँ, अल्लाह उसको क्या कह रहा है कि ये मोमिन? बहुत बड़ी बात है सोचने की। अब इसमें क्या मिसिंग है, इस इक्वेशन में क्या मिसिंग है बताइए? अल्लाह पे ईमान और आखिरत पे ईमान, इसमें कौन सी चीज मिसिंग है बताइए ना? रसूलुल्लाह पे ईमान ना, लेकिन अल्लाह पे ईमान कैसे होगा? हम अल्लाह को जानते हैं? नहीं। रसूलुल्लाह ने बताया, हमने मान लिया। उन्होंने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। अगर वो कहें कि अल्लाह दो है, हम दो मान लेते हैं, हमें क्या पता। तो अल्लाह पे ईमान मिला तो किसके जरिए से? आखिरत का पता चला तो किसके जरिए से? अब यहां इस आयत में रसूल का जिक्र नहीं है, लेकिन इशारा तो नस है यहां। लेकिन एक और मकाम पे अल्लाह फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है इजा जा अकल मुनाफिकून कालू नशहद इन्नक लरसूलुल्लाह والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون।
इदा जा अकल मुनाफिकूना, या रसूलल्लाह ये जो मुनाफिक है ये आपके पास आके क्या कहते हैं? नशहदु इन्नक लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह का क्या जवाब है? वल्लाहु यालमु इन्नक लरसूलुहु, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये मुनाफिक वल्लाहु यशहदु इन المنافقين لكاذبون, لیکن اللہ شہادت دیتا ہے, اللہ گواہی دیتا ہے یہ بے ایمان منافق جھوٹے ہیں. کیا ہیں؟ اب دیکھیے, ایک وہ شخص جو اللہ پہ بھی ایمان لائے, قیامت پہ بھی ایمان لائے, رسول پہ بھی ایمان لائے, اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بے ایمان جھوٹا ہے. کیا ہے؟ اب ہمارے لیے تو بڑا مشکل کام ہو گیا. اب ایک شخص جو ہے, اب وہ کہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, رسول پہ ایمان رکھتا ہوں, قیامت پہ ایمان رکھتا ہوں, آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی پڑھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے. اب ہم کیا جانے؟ دیکھیں نا, اللہ تو جانے, کیونکہ وہ تو اندر باہر کو جانے, اور اللہ کا رسول بھی جانے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو انسان کے اندر کے بھی حال کا علم ہے اور باہر کے بھی حال کا علم ہے. ہاں, یہ مت سوچئے کہ میرے اور آپ کے آقا کے دیکھنا ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح ہے. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے. کن آنکھوں کے ذریعے؟ کن آنکھوں کے ذریعے؟ لیکن آقا نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا, لوگو تم ان آنکھوں کے محتاج ہو, یہ آنکھیں ہیں تو تم دیکھو گے, یہ آنکھیں ہیں تو تم نے اگر جواب نہیں دیں گے, مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ ویسے ماشاء اللہ سبحان اللہ الس خود, چلو کھانا کھاؤ. یہ آپ میری ڈچ پہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ ایک فرشتہ الس مارک پرات لائک اے ترک. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ویسے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے یا کچھ بات فالو بھی کر رہے تھے. ماشاء اللہ, مجھے لگتا ہے یہ جو کھانے کا سلسلہ نا یہ پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ جب بھوک لگ جاتی ہے تو بات پھر بندہ مس کر جاتا ہے. جی, کیا میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, آنکھ. دیکھیے, میری اور آپ کی آنکھ اس بات کی محتاج ہے کہ اگر یہاں سے نظر آئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور اگر یہاں سے نظر آئے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھو تم اپنی آنکھوں کے محتاج ہو, میں اپنی آنکھوں کا بھی محتاج نہیں ہوں. کیسے؟ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے, اور یہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا, اس کو ہم متفق علیہ حدیث کہتے ہیں, اور الفاظ میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے لیکن معنی مفہوم وہی ہے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے جب فارغ ہوئے تو پیچھے ہو کے مصلی کو کہا, الا تحسن صلاتک, تو نے نماز نہیں صحیح پڑھی. اب بتائیے, آپ کا امام جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کہے آپ نے نماز نہیں صحیح پڑھی تو آپ کیا سوچیں گے؟ کیا آپ سوچیں گے کہ آپ اپنی نماز کی طرف توجہ کر رہے تھے, میری نماز کی طرف توجہ کر رہے تھے؟ ہاں, ایسے تو آج کل باتیں ہوتی ہیں نا. ہاں, لیکن آپ کہیں گے میں نے جیسے نماز ادا کی جیسے کی, آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کچھ سی سی ٹی وی میں دیکھا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو روکا اور کہا الا تحسن صلاتک, تم نے اپنی نماز صحیح نہیں پڑھی,
तो सहाबी रसूल देखने लगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बात वाज़े कर दी, फरमाया वल्लाहि ला यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम इन्नी लअराकुम वल्लाही, मुझे अल्लाह की कसम, किसकी कसम, ला यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम, और इमाम मुस्लिम की हदीस में है वल्लाही ला यख्फा अलैया खुशूउकुम वला खुदूउकुम, मुझे अल्लाह की कसम है तुम्हारा अंदर भी मुझसे मख्फी नहीं है और बाहर भी मुझसे मख्फी नहीं है। क्यों तुम ये मत सोचना तुम देखने के लिए अपनी आंखों के मोहताज हो, लेकिन मैं जब देखना चाहूं इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं तुम्हें जैसे सामने देखता हूं वैसे ही तुम्हें पीछे देखता हूं, जैसे तुम सामने हो मैं तुम्हें देखता हूं वैसे तुम्हें, यानी तुम अपनी आंखों के मोहताज हो और मैं भी अपनी आंखों के का मोहताज नहीं हूं। वो मुस्तफा जाने रहमत जो अपनी जिंदगियों में जो अपनी जिंदगी में बता दिया कि मैं अपनी इन आंखों का मोहताज नहीं हूं, वो यकीनन कब्र में भी जाके उन आंखों के मोहताज नहीं, वो अपने हर उम्मती को देखते हैं। तो अब अल्लाह तो जाने, रसूल भी जाने, अब हम कैसे जाने कि ये असली है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है ना सवाल। अब हम कैसे जाने, ऊपर टोपी भी है, सर पे दाढ़ी भी है और लिबास भी इस्लामी है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, हम क्या जाने कि ये असली माल है या नकली माल है ना ये सवाल। तो अल्लाह के रसूल ने हमें एक ऐसा तरीका बता दिया कि आप इस चीज को पहचान सकते हैं कि असली माल क्या है और नकली माल कैसे। अब ईमान को जान, ईमान तो अंदर की कैफियत है ना, ईमान को तो कोई नहीं देख सकता ना, ईमान को उसी वक्त बंदा तोल सकता है जब अकायद को देखेगा, लेकिन जो अंदर ईमान है उसकी कैफियत का क्या इलम, कैसे जाना जाए उसके बारे में। तो इसका इलम और इसका सबक हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें इस तरह बताया, फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों जब तुम कब्र में जाओगे तुम्हारे साथ दो इम्तिहानात होंगे। कितने इम्तिहानात? एक ईमान का और एक अमल का। ईमान का, और जो काफिर है उसके साथ दो इम्तिहान नहीं होंगे, उसका सिर्फ एक इम्तिहान होगा ईमान का। क्यों? काफिर से ये नहीं पूछा जाएगा कितनी नमाजें पढ़ी हैं तूने, काफिर से ये नहीं पूछा जाएगा तुमने कितना हज किया, काफिर से नहीं पूछा जाएगा तुमने जकात दी, काफिर से नहीं पूछा जाएगा तुमने अपने हुकूकुल इबाद को अदा किया, ये नहीं। नहीं, बात जो पहले पेपर से फारिग होगा, पहले इम्तिहान में कामयाब होगा, उसी का दूसरा इम्तिहान लिया जाएगा, और जो पहले में ही नाकाम, तो इस चीज की अब इंतजार नहीं होगी कि कितना रोजा रखा, कितना हज किया, कितनी जकात दी, अजाब कबर वहीं शुरू हो जाएगा। हाँ, अजाब कबर वहीं शुरू हो जाएगा। क्यों? आमाल तो उस वक्त माने रखते हैं जब ईमान हो, जब ईमान नहीं तो आमाल। अब काफिर के लिए तो बड़ा आसान है, उसने
जिंदगी में भी अल्लाह रसूल पे ईमान नहीं लाया, अब कब्र में गया तो वहां तो फेल ही फेल। लेकिन एक वो शख्स है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता था, लेकिन अब जब कब्र में गया अब उसके ईमान का इम्तिहान लिया जाएगा कि ईमान है भी या नहीं। अब आप किसी बुजुर्ग हाजी साहब के पास जाएं, आपके हाजी साहब मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूं। कहा लीजिए। कहा मैं देखना चाहता हूं कि आप मोमिन हैं या नहीं। अव्वलन तो वो ऐसा इम्तिहान लेने ही नहीं देगा, वो एक रख के थप्पड़ मारेगा, वो कहेगा तुम्हें नजर नहीं आता मैं कौन हूं, पांच वक्त का नमाजी हूं, हज पे गया हूं, उम्रे पे गया हूं, ये करता हूं वो करता, तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हें मेरे ईमान का इम्तिहान ले कर। नहीं बस वो सुन्नत है ना। तो अच्छा चलो हाजी साहब आपका मन रब का, आपका रब कौन है, ये आप कभी किसी से सवाल पूछ सकते हैं? जब सामने नजर आ रहे हैं मस्जिद से हाजी साहब निकले, आप वो मन रब का, तुम्हारा रब कौन है, जलाली होगा तो गुस्सा करेगा, ये भी कोई सवाल है करने के लिए? अच्छा अगर मूड अच्छा हुआ तो कहेगा चलो अल्लाह मेरा रब है। अब जिसने कह दिया अल्लाह मेरा रब है ये तो काफी होना चाहिए ना। लेकिन कहने हाजी साहब अभी कुछ बात रह गई है, अधूरी रह गई है। क्यों? कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, बल्कि आपकी इत्तला के लिए शैतान भी अल्लाह को रब मानता है। मुशरिकीन भी अल्लाह को रब मानते थे, अबू जहल अबू लहब ये भी अल्लाह को रब मानते थे, लेकिन अल्लाह के अलावा औरों को भी मानते थे। उनको अल्लाह से कोई रंज नहीं था, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह से रंज था, कोई और खुदा नहीं है। वो कहते और भी है, अल्लाह भी है। तो महज अल्लाह का मानना ये ईमान के लिए काफी, मिलके बोले ना काफी। तो इसीलिए दूसरा सवाल बहुत जरूरी है, वो ये है कि मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। अब दीन जो है इस वक्त जो राइज दीन है जिसके हम मुकल्लफ हैं उसका नाम है, इसका नाम है, अब एक आदमी ने कह दिया कि मैं मुसलमान हूं तो इतना काफी होना चाहिए ना, हमारे लिए इतना काफी होना चाहिए। अब एक आदमी कहते हैं मैं मुसलमान हूं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तालीम दी ये कब्र के सवालात क्यों हमें बताए, ताकि हम कोई तैयारी कर ले? नहीं। आप में से कितने लोग हैं यहां जो अरबी बोलते हैं? नहीं बोलते ना, ताकी ताकी बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो जब अरबी में कोई तकरीर करे तो आप क्या कहेंगे? हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह ही कहना पड़ेगा, और क्या कहेंगे? जब समझ नहीं आती तो वो एक हाजी साहब थे, तो पहले ज़माने में ये शायद हाजी अब्दुल रहीम साहब जानते हैं, ये पहले पहले दौर में हज के लिए जाते थे, उस वक्त ये जो अरबी लोग थे ना ये वो अपना वो पहनते थे रुमाल और उसके ऊपर वो एक टायर पहनते थे, वो आपको पता ना अभी भी पहनते वो टायर ही है ना। तो उस दौर में ये सऊदी अरेबिया, ये बड़ी रेसिस्ट कौम है सऊदी, रेसिस्ट समझते हैं ना, क्या उर्दू डच में क्या कैसे कैसे कहते हैं, रासिस्ट। हम सोचते हैं कि नाजी रासिस्ट थे, ये यहूदी रासिस्ट थे, इनसे ज्यादा ये सऊदी रासिस्ट है। हाँ हाँ बड़े रासिस्ट थे। अच्छा उस दौर में ये सिर्फ सऊदी पहन सकता था, ये जो रुमाल और वो अकाल, वो सिर्फ सऊदी सिटीजन पहन सकता था। तो सूरीनाम का एक आदमी गया, वो बड़े खुशी खुशी से गया आज के, उसने कहा हम भी पहनेंगे। तो वो साथियों ने कहा आप मत पहन, मैं नहीं, आपको अरेस्ट कर लेंगे। उसने कहा छोड़ो क्या अरेस्ट करेंगे। जब वो बाजार में गया मक्का शरीफ में, तो एक अरबी था वो गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ रास्ता मालूम करना था। तो अब उसने दाएं बाएं देखा, कोई अरबी नजर आए, जब उसने हाजी साहब को देखा, वो पहना हुआ था ना वो रुमाल वो टायर ऊपर, तो कहने लगा या अखी ऐन शायर जाफर सादिक, वो स्ट्रीट का नाम है, जाफर सादिक स्ट्रीट कहाँ है? अब वो सब हाजी जो थे घबरा गए, अब ये क्या जवाब दे, ये तो ताकी ताकी में जवाब देगा। तो हाजी साहब छोड़ो मैं जवाब देता हूँ उसको जाके। तो वो समझ गए कि ये कुछ इशारा मांग रहा है, तो उसने कहा ऐ ना शार जाफर सादिक, जाफर सादिक स्ट्रीट कहाँ है? उसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुल लहू कुफुवन अहद।
उसने उसको बात समझा दी। वो अरबी एकदम चकरा गया, वो वायरल वहां से चला गया। तो सवाल यह है कि कब्र में जब आप जाएंगे, अब वहां तो ताकी ताकी नहीं चलेगी कि चलेगी, हिंदी तो नहीं चलेगी, वहां तो कोई आपकी खैरियत ये तो नहीं कहेगा हाँ फरिश्ते आला सानी बूंग ठीक है, नहीं, वहां तो बात किस जुबान में किस भाषा में चलेगी। लेकिन आप तो अरबी जानते नहीं है तो क्या करेंगे, जब वहां वहां सुभान अल्लाह माशाल्लाह से नहीं काम चलेगा। जब अरबी बोलने वाला हो तो उसके लिए इंटरप्रेटर होता है ना, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि या अल्लाह के कोई ताकी ताकी बोलने वाला इंटरप्रेटर लाओ, कोई डच बोलने वाला इंटरप्रेटर लाओ, नहीं। उस वक्त जब आप कब्र में जाएंगे उस वक्त मोमिन और मोमिन की हकीकत, इंसान और इंसान की हकीकत अरबी जुबान से वाकिफ है, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मोमिन हो। हुजूर आप यहां बेशक काफिर हो, कब्र में जाके वो अपने आप को मोमिन कहलवाए तो वो वहां मोमिन नहीं हो सकता, वहां वही जवाब देगा जिसकी जो असल होगी। मोमिन होगा तो जवाब देगा, काफिर हो वहां झूठ नहीं चलेगा। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें ये क्यों बताया इस बात का इलम कि वहां क्या होगा। दर हकीकत हमें कब्र का इलम इसलिए बताया कि अगर कब्र में ईमान को तोला जाएगा और देखा जाएगा कि ईमान है या नहीं, तो मैं तुम्हें दुनिया में बता देता हूं, दुनिया में अगर ईमान जानना चाहते हो तो उसका तरीका मैं बताता हूं तुम्हें। तो सबसे पहला सवाल क्या है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अब अगर एक बात काफी होती कि अल्लाह मेरा रब है तो इसी पे बात खत्म कर देते, लेकिन नहीं, फिर फरमाया मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। जब उसने ये बता दिया दीनियल इस्लाम कि मेरा दीन इस्लाम है, तो बात इस पे खत्म हो जानी चाहिए थी। जब एक आदमी कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं मुझे इस्लाम पे यकीन है, तो चाहिए तो यह था कि यहां बात खत्म होती, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। और ना होने की वजह यह है कि अभी सवालों में कुछ तिश्नगी बाकी है, साइल के जहन में कुछ तिश्नगी बाकी है कि तेरे ये कहने से कि अल्लाह मेरा रब है और ये कहने से कि दीन मेरा ईमान है ये भी काफी नहीं है। ईमान का आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है कि बता इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। माकुन तकुल के हाजिर, अच्छा अब यहां ये नहीं है कि क्या कहता है, अब ये नहीं है कि अब, वहां तो मुनाफे को बेईमान भी कहेगा कि हाँ। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत को अगर मान गया। वहां तो बेईमान भी हुजूर की अजमत को देख के मान जाएगा, लेकिन यहां आखिरी सवाल यह है कि अब बता, अल्लाह के पुजारी होने का दावेदार तो था, इस्लाम के नक्शे कदम पे चलने का दावेदार तो था, लेकिन अभी तेरे ईमान पे पूरा यकीन नहीं आया, अब बता दुनिया में इस हस्ती के बारे में क्या कहता रहता था। और अगर उस मकाम पे वो कहे कि हाँ ये तो बड़े भाई जैसे है, वो कहेंगे अच्छा माशाल्लाह, अब बताओ वो तो बताओ और क्या बकता रहता था। हाँ उस सवाल फिर बदल जाएगा ना, फिर ये नहीं है कि क्या कहता रहता था, फिर ये होगा क्या बकता रहता था। और अगर मोमिन होगा सच्चा मोमिन तो सवाल ये नहीं होगा कि क्या कहता रहता था, सवाल ये होगा इसके बारे में क्या नाते सुनता सुनाता कहता था। क्योंकि मोमिन हकीकी वही होता है, बैठते भी अपने रसूल की तारीफ करता है, उठते भी अपने रसूल की तारीफ करता है, और नाकिस वो होता है जो बैठ के भी अपने रसूल में कोई ऐब निकालता है, खड़े होते भी ऐब निकालते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और मोमिन वो होता है, हजरत मुनाजर आजम रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक दफा मुनाजरा हुआ गुलाम खान के साथ, एक बहुत बड़ा वहाबी मुनाजर था। तो उन दिनों में मुनाजरा, वो आजकल मुनाजरा जो है वो बिल्कुल बॉक्सिंग मैच की तरह है, वो 21 राउंड्स होते हैं, उसी में बस बात ख़त्म हो जाती है।
और उससे पहले नॉकआउट हो जाए तो बस ठीक है। आजकल ये मुनाजरा, उन दिनों में मुनाजरा तीन तीन चार चार दिन का होता था, बड़ा लंबा मुनाजरा होता, लोग आराम से फिर नमाज भी पढ़ते, खाना भी खाते, यानी अपने आप फारग भी होना होता। एनीवे चलो, तो रात हुई, इशा का वक्त हुआ, तो हज़रत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कमरा यहाँ था और ग़ुलाम ख़ान का कमरा यहाँ था। अब इशा के बाद लोग तो सो गए, लेकिन सारी रात उनके कमरे की बत्ती जो थी वो ऑन थी और वो सारी रात मुताला कर रहे थे, और ग़ुलाम ख़ान भी सारी रात मुताला कर रहा था। और सुबह जब फजर के बाद मुनाज़रा शुरू हुआ तो हज़रत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, लोगो मुनाज़रा तो शुरू होगा, लेकिन देखो ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, यहाँ मौजूए मुनाजरा इल्मे गैब है, हुजूर का इल्मे गैब है। मोहम्मद उमर सारी रात कुरान हदीस को खंगाल के ये जानना चाहता था कि हुजूर का इल्म कहाँ से निकले, हुजूर के इल्म की तारीफ, और ये अपनी किस्मत की बात है, मैं हुजूर की तारीफ में लगा हुआ था। ग़ुलाम ख़ान अपने कमरे में, बत्ती उसकी भी ऑन थी, लेकिन वो कुरान व हदीस इसलिए पढ़ रहा था कि कहीं ना कहीं से हुजूर का मुझे ऐब नज़र आए। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है ना। तो मोमिन वो होता है कि उठता बैठता अपने नबी की तारीफ करता है, और जो जाली होता है वो उठता बैठता अपने नबी को कुछ नहीं समझता, वो यही समझता कि बस आया चला गया, उसका कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये नबी की तारीफ करना कराना यही असल ईमान की निशानी है। और अगर इस कोई शख्स इस चीज़ की आदत छोड़ दे तो यकीनन उसके लिए कोई ना कोई ऐसी बीमारी उसके ईमान को लग जाएगी, आज नहीं तो कल से ही वो बीमारी कहीं ना कहीं से जाहिर होगी। इसीलिए जब वो बीमारी जाहिर होती है तो फिर वो कुफर तक जाके पहुंचती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में जिन लोगों ने अंदर ईमान जिनका असली नहीं था, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो बाहर आया, और जब वो बाहर आया वो किस सूरत में आया, वो गुस्ताखी रसूल में आया, और जो गुस्ताखी रसूल था उसकी सजा अहदे नबी में भी वही थी, अहदे सहाबा में भी वही थी कि गुस्ताखे रसूल गद्दार है, उसको कत्ल किया जाएगा। आज हम मगरिब में रहते हैं और मगरिब में कहा जाता है कि ये मुहज्जब तहजीब है, ये इस तहजीब के बामे उरूज पे लोग खड़े होकर कहते हैं यहाँ तहजीब हमें मिलेगी, लेकिन वो कौन सी तहजीब जिस तहजीब में गुस्ताखी रसूल पाई जाए। आज हमारे लिए जानना ज़रूरी है, गुस्ताखी दो किस्म की होती है, एक है सरी गुस्ताखी, एक है किनाया। सरी वो है जो अल्फाज इस्तेमाल करे, जैसे काब बिन अशरफ, उसने खुल्लम खुल्ला अल्फाज में गुस्ताखी की और हुजूर ने उसके कत्ल का हुक्म दिया। यानी ये नहीं कोई कह सकता कि कोई बात करके कहे नहीं मेरी मुराद कुछ और थी, नहीं। जब एक खावंद अपनी बीवी को तलाक देता है तो लफ्ज़ तलाक जब इस्तेमाल किया जाए तो उसका मकसद रोमांटिक होना नहीं है। हम ये नहीं कह मैं प्यार से आपको तलाक दे रहा, नहीं नहीं मेरा मकसद प्यार था। आप हंस रहे हैं, बाय द वे आपकी इत्तला के लिए हंसी में भी कोई तलाक दे रहे तो तलाक फिर भी हो जाती है। हाँ ऐसे हुआ है, ऐसे केसेस हुए कि ऐसे हंसी हंसी में तलाक दे दी और बाद में कहा पता नहीं क्या सत्यानाश, पता नहीं निकाह भी बाकी रहा या नहीं। हंसी में भी तलाक होती है और गुस्से में भी। हाँ एक आदमी आया कह लगा हजरत गुस्से में दे दी तलाक, मैंने कहा बेटा प्यार से तो कोई नहीं देता ना तलाक। कहा ए मेरी डार्लिंग मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो अब उसको तलाक का जुमला कह दिया, ये कोई प्यार का जुमला तो है नहीं है, या गुस्से से तलाक तो होती गुस्से से है। तो जब लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल किया जाए उससे मुराद सिर्फ तलाक ही कहा जाए। अब यहाँ नीयत नहीं देखी जाएगी कि मेरी नीयत कुछ और थी, जब आपने मुंह से वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए तो तलाक वाकिया होगी। हाँ अगर कोई आपने ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट हो, मसलन खावंद अपने बीवी को कहता है आज के बाद, बड़े गौर से आप बात मेरी सुन रहे हैं, वैसे आमतौर पे तो लोग माशाल्लाह सुभानअल्लाह कहते हैं, अब तो वो भी सब खत्म हो गया है।
कुछ गड़बड़ लगता है। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्या करें, हर घर में होता है। खावन बीवी को कहता है दफा हो जा, होया मन होया बैक, आज के बाद तू मेरे लिए हराम, मैं तेरे लिए हराम। अब ये तो चलता रहता है ना आपस में, लेकिन ये जुमला के तू मेरे लिए हराम मैं तेरे लिए हराम, इसको कहते हैं तलाके किनाया। इससे एक तलाक नहीं होती, दो तलाके होती हैं। अब तो बिल्कुल ही माशाल्लाह सुभानअल्लाह खत्म हो गया। अब तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या कह दिया होगा, हर रोज लड़ाई होती है, ऐसे जुमले तो चलते रहते हैं, ये तो स्टैंडर्ड जुमला है, आज के बाद हराम, आज के बाद। लेकिन अगर आप मुफ्ती के पास जाएंगे तो मुफ्ती आपसे ये पूछेगा, जब तूने अपनी बीवी को ये कहा कि आज के बाद तू मेरे लिए हराम, तो अब तेरी नीयत देखी जाएगी कि क्या तेरी नीयत तलाक की थी या नहीं, और अगर तलाक की नीयत नहीं थी तो तलाक नहीं होगी। माशाल्लाह चेहरे पे एकदम रौनक आ गई आपकी, नहीं होगी। अगर नीयत अगर डायरेक्ट ना हो, डायरेक्ट हो तो तलाक, अगर डायरेक्ट कोई जुमला बोले तो तलाक है, अगर डायरेक्ट ना बोले तो वहां नीयत को देखा जाएगा। नीयत थी तो तलाक एक नहीं दो, क्यों, फिका में है अल किनाया तो अबलगु मिन तसरी, कि किनाया का जुमला वो सरी जुमले से ज्यादा होता है। तो जो नीयत से अपनी बीवी को ये कह दे कि आज के बाद तू मेरे लिए हराम, अगर नीयत तलाक की हो तो दो तलाकें। तो किनाया जो इन डायरेक्ट जुमला हो उसमें नीयत देखी जाएगी। तो इसी तरह गुस्ताखी रसूल को जब हम देखते हैं, अगर डायरेक्ट जुमला हो तो वहां नीयत नहीं पूछेंगे। जैसे अभी एक बेईमान वासले जहन्नम हुआ, सलमान रश्दी का पता नहीं, वो मुझे लगता है उसका स्वागरी था, सलमान रश्दी और एक सलमान तासीर है। मैं स्वागरी इसलिए कहता हूं क्योंकि इन लोगों में निकाह तो वैसे होता ही नहीं है, वो फी सबीलिल्लाह, बल्कि फी सबीलिल्लाह भी नहीं कहना चाहिए, फी सबील शैतान, जानवरों की तरह। जानवर निकाह करते हैं? जानवर तो नहीं ना निकाह करते, तो फिर जो निकाह ना करे वो फिर जानवर ही हुआ ना, या जानवरों से बदतर हुआ। बहरहाल एनीवे, तो एक सलमान तासीर था, उसने पाकिस्तान के एक कानून, वो कानून जिसका ताल्लुक नामूसे रिसालत के साथ था, इज्जत रसूल के साथ था, उस कानून को उसने कहा ये नाउज़ बिल्ला नकले कुफर कुफर नवाशद, उसने कहा कि ये काला कानून है। और बाद में उसने तावील ये की, मेरी मुराद ये थी कि, या उसके जो मानने वाले थे उन्होंने कहा मेरी मुराद ये है कि जो प्रोसीजर है 295C जो कानून है उसमें कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो गुस्ताखे रसूल होगा उसके लिए सजाए मौत है। क्या है? सजाए मौत है। और फेडरल शरिया कोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की और बल्कि तायीद की कि अगर कोई शख्स गुस्ताखी रसूल में पकड़ा जाए इस जुर्म में तो उसके लिए कोई और सजा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। तो उसने तावील करने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने जुमलों ने ही बता दिया कि उसके इस जुमले की क्या तफसील थी। उसने कहा, ये उसका जुमला है, उसने कहा ये जालिमाना कानून है, यानी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे और उसको सजाए मौत मिले, ये कहा ये जालिमाना, ये इंसानियत के खिलाफ कानून है। अब बताइए वो अपनी खुद जुमले की तफसीर बयान कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जुमला जो उसका था वो गुस्ताखी पे मबनी था। और इसलिए एक गाजी ने उठ के जब उसको मारा तो उसको आज सजाए मौत मिल गई, वो गाजी शहीद हो गया, उसका नाम है गाजी मुमताज कादरी शहीद रहिमहुमुल्लाह ताला। तो जो किनाया जुमला होगा, जो इशारतन जुमला होगा, उसमें उसकी नीयत पूछी जाएगी। सलमान तासीर का जुमला किनाया नहीं था, डायरेक्ट था। और अगर किनाया से भी गुस्ताखी रसूल हो, देखिए इसकी मिसाल आपको हदीस से अर्ज करूं, एक इमाम था, पेश इमाम था, और वो एक हर नमाज में एक ही सूरत पढ़ता था, आबासा वतवल्ला। अब ये आबासा वतवल्ला कौन सी सूरत है?
ये आपको 30 पारे में मिलेगी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम मुशरिकीन मक्का में बैठे थे और वहाँ उनको इब्लागे दीन और दीन की तरफ बुला रहे थे। एक सहाबी रसूल थे, वो नाबीना थे, हज़रत अब्दुल्ला इबन मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वो क्योंकि नाबीना थे तो वो जब आते कहीं तो ज़रा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बात करते ताकि अगर कोई कहीं कोई गड्ढा हो या कोई कोई जगह हो गिरने वाली तो लोग उनको बचा लेते थे। तो वो ऊंची ऊंची बात करते। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम बारगाह रिसालत में आए तो ऊंची ऊंची बात करने लगे। जब ऊंची बात करने लगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ ऐसे देखा और फिर यानी ऐसे चेहरे को किया और फिर मुशरिकीन की तरफ मुतवज्जे हुए। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई अबसा व तवल्ला, उस कैफियत को बयान किया। लेकिन इस बेईमान ने यह सोचा कि अल्लाह ने अपने रसूल को यहां डांटा, हालांकि डांटा नहीं, लेकिन उसने यहां से यह अखज किया कि अल्लाह ने रसूल को डांटा। अब वो हर नमाज में यह पढ़ता, फजर की नमाज में अबसा व तवल्ला, जोहर की नमाज में अबसा व तवल्ला, असर की नमाज में अबसा व तवल्ला, मगरिब की नमाज में अबसा व तवल्ला, आयशा की नमाज में अबसा व तवल्ला, हर नमाज में अबसा व तवल्ला पढ़ता। सहाबान बड़े परेशान हुए, यार इसको कोई और सूरत नहीं आती, एक ही सूरत पढ़ता जाता है। उसको सहाबा ने पूछा ये तुम क्यों सूरत पढ़ते हो? उसने कहा मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, अल्लाह ने अपने रसूल को इसमें डांटा है। अब जब उसने ये जुमला कहा तो सहाबा ने हज़रत उमर फारूक से बात की। जब हज़रत उमर फारूक से बात की आपने फरमाया उसको पेश किया जाए। जब उसको पेश किया गया तो आपने फरमाया कि क्या ये दुरुस्त है कि तू अबसा व तवल्ला इस मकसद के लिए पढ़ता है, कुरान की आयत इस मकसद के लिए पढ़ता है? जब उसने हाँ कहा हज़रत उमर ने उसका सर कलम कर दिया। फरमाया जो कुरान हकीम की तिलावत करे इस नीयत से जिस नीयत में गुस्ताखी रसूल का पहलू हो, उमर का फैसला यह है कि उसके सर को कलम कर दिया जाए। हालांकि वो कुरान पढ़ रहा था, लेकिन कुरान पढ़ना सवाब है, गुस्ताखी रसूल की नीयत रख के कुरान पढ़ना भी कुफर है। हजरत उमर ने उसको सजा दे के बता दिया कि अगर नीयत में गुस्ताखी रसूल हो तो यकीनन उसके लिए सजाए मौत है। आज आपके मीडिया में ये बताया जाता है नहीं नहीं वो तो उसने कत्ल कर दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये महज़ब तरीका नहीं है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था। अगर उसने जुर्म किया तो आपका हक नहीं बनता कि आप उसको कत्ल करें। किस पुलिस के पास जाए, किस कोर्ट में जाए? अवलन तो वहाँ की पुलिस भी 10 यूरो की मार है, बल्कि 10 भी नहीं, आप गांव में चले जाए तो 5 से भी काम चल जाएगा। हाँ, इतनी सस्ती पुलिस है वहाँ की। और कोर्ट्स जो हैं वो तो है माशाल्लाह उनका तो है ही है, वो मलगूना जिसकी वजह से ये सारा हुआ, कोर्ट सिस्टम में अभी भी उसका केस चल रहा है, वो वैसे की वैसे ही है जिसकी वजह से ये केस चल रहा था। बहरहाल जब ये सुलेमान तासीर ने बकवास की तो उलमाए अहले सुन्नत ने पुलिस स्टेशन में भी जाके उसके लिए उसके खिलाफ बात की और कोर्ट में भी गए। लेकिन पाकिस्तान का बदबख्त कानून ये कहता है कि जो सदर है और जो गवर्नर है वो अगर कोई ऐसा जुमला बोले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इतना बदबख्त कानून कि गुस्ताख रसूल को यानी स्टेट प्रोटेक्शन मिली हुई है, अब मुसलमान करे तो क्या करे? हम ये नहीं कहते कि हम ये हर एक आदमी का फर्ज है कि अगर गुस्ताखी रसूल है तो उसको जाके कत्ल कर दे, नहीं, यकीनन ये स्टेट ही का काम है। लेकिन अगर स्टेट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तो क्या करें? लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि हम अपने आप कानून को अपने हाथ में लेंगे। लेकिन जब उस बेईमान ने सलमान तासीर ने जो जहन्नमियों की फहरिस्त में से सबसे ऊला उसका मकाम है, जब उसने अपने गार्ड गाजी मुमताज़ हुसैन के सामने वो जुमले और उनके खिलाफ और उसके अलावा कुछ और जुमले कहे, तो मोमिन वो होता है कि जब देखिए बेटा वो होता है कि अगर उसके बाप के बारे में उसके सामने कोई गाली दी जाए तो हलाली बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हलाली बेटे की निशानी यह है कि अगर उसके सामने उसके बाप को कोई गाली दे तो यकीनन उसका दिल, उसका दिमाग, उसका खून इस बात का तकाजा करेगा कि मैं इसको जवाब दूं। जब उस गाजी मुमताज ने गुस्ताखी रसूल की ये जो बातें सुनी थी और इस मंजर में सलमान तासीन ने और बकवास की, चाहता तो वो कमांडो था, चाहता तो वो एक ही गोली से उसको उड़ा देता, लेकिन उसने सैफनन तंतख गोलियों से उसको उड़ाया। बताया, तूने मेरे रसूल की गुस्ताखी की, मैं एक गोली को नहीं जानता, मैं दो को नहीं जानता, जितनी भी गोलियां हैं सब तेरे पे मैं तेरे अंदर रख दूंगा, तुझे बता दूंगा, यही गुस्ताखी रसूल का नतीजा है। आज हमारे उलमा डरते हैं, बुजदिल हैं, बात नहीं करते, क्या बात है, जब गुस्ताखी रसूल की बात आती है तो अंदर छुप जाते हैं। नहीं, सुन्नी वो है जो अपने घर में भी और बाजार में भी ये ऐलान करता है, जो रसूल की इज्जत के खिलाफ बात करेगा वो गुस्ताख होगा और उसके लिए सजाए मौत होगी। तो जब गाजी ने ये किया, हम ये नहीं कहते कि हर बंदा कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन अगर एक मोमिन के सामने ये कैफियत पैदा हुई तो यकीनन जज को ये बात देखना ज़रूरी था कि सलमान ने क्या बकवास की। जज ने उसकी बकवास को नहीं देखा, सलमान को फांसी दे दी, लेकिन वो समझते थे कि इसकी फांसी से इसका मिशन ख़त्म हो जाएगा, जैसे यजीद समझता था के हुसैन के सर कलम करने से हुसैन का मिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ, यजीदियत खत्म होगी, हुसैनियत पूरी दुनिया में छा गई। इसी तरह गाजी को फांसी दी गई, गाजी खत्म नहीं हुआ, गाजी अभी तक जिंदा है। तो ये हमारे लिए बात जानना जरूरी है कि गुस्ताखे रसूल, देखे अहले सुन्नत वल जमात का शेवा नहीं है कि हम सिर्फ गुस्ताखी रसूल पे हर एक को अपने कानून को अपने हाथ में लें, वरना जब इमाम अहमद रजा रहिमहुमुल्लाह ताला ने उलमाए देवबंद के खिलाफ कुफर का फतवा दिया और कुफर का फतवा लिया और फिर ये कहा मन शक्का फी कुफरी ही औ अजाबी ही फकद कफरा, यानी इतनी सख्त बात कह दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने किसी भी मुरीद को या अपने किसी भी शख्स को ये नहीं कहा कि जाओ जाके उलमाए देवबंद को कत्ल करो। क्यों? उन्होंने फतवा दिया, दिलवाया, ये उनका हक था, उसको नाफिज करना ये कानून का काम है, लेकिन अगर कानून का दरवाज़ा बंद है तो फिर खुद अल्लाह फैसला फरमाएगा। हम अमन के दावेदार तो हैं, लेकिन जो गुस्ताखे रसूल है उसकी सजा बर हक है, और अगर वो सजा स्टेट नहीं देती तो अल्लाह उसको ज़रूर सजा देगा। लेकिन गाजी ने अगर उस वक्त में आके अपने जज्बात पे वो काबू ना रह सका तो उसके लिए सजाए मौत शरीयत के मुताबिक नहीं बनती थी। उसको सजाए मौत दे के पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बता दिया कि वो सब गद्दारे रसूल हैं, वो हकीकी मोमिन नहीं है। मोमिन वो होता है कि जब अपने नबी की गुस्ताखी सुनता है तो उसका दिल मचल जाता है, उसका आराम छिन जाता है, उसका सुकून लुट जाता है, वो आराम की नींद नहीं सो सकता। यकीनन यही तरीका सहाबा था। हज़रत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह की के दौर में एक आलिम था, वो हुजूर की बारगाह में बड़ी गुस्ताखी किया करता था, उसका नाम था ग़ुलाम ख़ान। तो हज़रत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ग़ुलाम ख़ान तू हुजूर की गुस्ताखी करता है, देखना देखना जब तू मरेगा तो तेरी ज़ुबान बाहर आ जाएगी, तेरा राइट साइड पैरालाइज्ड हो जाएगा, और जब तू मरेगा दुनिया तुझे देखेगी, और जब फकीर मरेगा दुनिया फकीर को भी देखेगी। उस गुस्ताखे रसूल को बताया जाने से पहले कि तेरी आखिरत बर्बाद होगी क्योंकि तू गुस्ताखे रसूल है। तो जब वो गुस्ताखे रसूल मरा, उसका चेहरा भी बिगड़ गया, उसकी जुबान भी बाहर आ गई, उसका दाया हिस्सा उसको फालिज भी हो गया, बता दिया गुस्ताखे रसूल की सजा दुनिया में भी है, कब्र में भी है और हशर में भी है। आज अहले सुन्नत वल जमात का ये फर्ज बनता है कि हम जाने
कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद कौन है, उसने ये शहादत क्यों ली, और इस बात को पहचाने कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख होगा उसके लिए भी सजाए मौत होगी। इसका मकसद ये नहीं है, मैं फिर वजाहत कर दूं, और इसलिए वजाहत करता हूं इस डर में नहीं कि शायद मुझसे मुझ पर कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए वजाहत करता हूं क्योंकि सुन्नी अमन पसंद है, सुन्नी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। लेकिन हम कानून और अहले कानून को यह बताना चाहते हैं कि सुन्नी गुस्ताख रसूल को वाजिबुल कत्ल समझता है। अब उसको कत्ल करे ना करे ये उसको कोई हुक्म नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं है कि वो जाके खुद उसको एग्जीक्यूट करे, ये स्टेट का काम बनता है, ये अल्लाह अपनी मंशा के मुताबिक उससे बदला लेता है। लेकिन अगर ये काम किसी से सरजद हो जाए, अगर ये काम किसी से सरजद हो जाए तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा, उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। आखिर में इस बात की ताईद में दौरे फारूकी का एक वाक्या आपके सामने पेश करके बात ख़त्म करता हूँ। कुछ लड़के आपस में हॉकी खेल रहे थे और खेलते खेलते उनका बॉल जो है वो चर्च में चला गया। जब चर्च में गया तो उन्होंने पादरी से पूछा, आप हमारा बॉल हमें वापस कर दें। तो पादरी गुस्से में आया, उसने कहा तुमने हमारे गिरजे की तोहीन की, ये कैसे हुआ। तो उसने गुस्सा किया, तो जब गुस्सा किया तो बच्चे छोटे थे, उन्होंने कहा हमारा बॉल हुजूर का वास्ता, तुम्हें हमारा बॉल वापस दे दो। किसका वास्ता, किसका वास्ता, क्योंकि वो सुन्नी ही जो थे, वो लड़के सुन्नी थे, वो जानते थे कि हुजूर का वास्ता देंगे तो बात बन जाएगी। कौन थे वो, सुन्नी थे। अगर कोई और होता तो वो किसी और का वास्ता देता हा? लेकिन वो सुन्नी थे, उन्होंने हुजूर का वास्ता उस पादरी को दिया। जब हुजूर का वास्ता उस पादरी को दिया कि हमारा बॉल वापस कर दो, उस पादरी ने हुजूर को गाली निकाली। जब गाली निकाली तो वो छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, उन्होंने उसको पादरी को वही हॉकी स्टिक से मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दी और उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो हजरत उमर फारूक की बारगाह में वो मुकदमा पेश हुआ। फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन, आप फैसला कीजिए कि इन बच्चों ने इस पादरी को कत्ल कर दिया। आपने फरमाया क्यों किया, तो उन बच्चों ने कहा इसने हमारे नबी को गाली दी है। तो सैयदना उमर फारूक ने फरमाया जाओ, उमर का फैसला यह है कि तुम बच्चों तुमने अगर इस पादरी का कत्ल किया है तो तुमने सही किया है, जाओ मेरी अदालत से बाइज्जत तुम बरी हो जाओ। तो हाकिम वक्त ने यह बता दिया, वो हाकिम वक्त जो अला मिन हाजिन नबुवा है, उसने यह बता दिया कि अगर किसी शख्स से यह काम सरजद हो जाए तो उसको बाइज्जत बरी किया जाए। ममलकत पाकिस्तान के वो गद्दार दुनिया में भी अपनी जिल्लत देखेंगे और आखिरत में भी जिल्लत देखेंगे जिन्होंने हमारे गाजी को शहीद कर दिया। मेरा पैगाम आपको यह है कि जब तक तुम में दम है, सुन्नियत है, अगर कोई गुस्ताखे रसूल नजर आए तो यकीनन अगर आप उसको कत्ल नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ बैठो मत, उसके साथ उठो मत, उसके साथ खाओ मत। क्यों, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना इस बात की दलील है कि तुम उस पर राजी हो। हम उन पर नाराज हैं, दुनिया में भी नाराज हैं और आखिरत में भी नाराज हैं। मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पूरी मिशन का खुलासा यही है, लोगों गुस्ताखे रसूल को पहचानो, गुस्ताखे रसूल से बचो, गुस्ताखे रसूल को बुरा जानो और गुस्ताखे रसूल को अपनी नस्लों से बचाओ। हज़रत मुनाज़िर इस्लाम पीर अब्दुल वहाब सिद्दीकी रदियल्लाहु अन्हु, उनकी भी मिशन का खुलासा ये था कि गुस्ताखी रसूल को पहचानो और जहां तुम्हें गुस्ताख नजर आए उससे दूर रहने की पूरी कोशिश करो, अपने बच्चों से भी रहो। और यही हमारे ईमान की हिफाजत का एक जरिया है, वरना अगर हमने गुस्ताख रसूलों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे ये सवाल किया कि ये जो चार्ली हेब्डो वाले लोग हैं इन्होंने भी तो हुजूर के वो गुस्ताखों को कत्ल किया। लेकिन आइसिस, और ये मैं स्टेज पे बात कह रहा हूं, आइसिस
अलकायदा, दाइश, ये जितने भी लोग हैं इनको मुसलमान कहना भी जुर्म है। जो शख्स इनको मुसलमान कह दे उसके अपने ईमान में खतरा है, अपने ईमान को खतरा है। ये आइसिस और ये लोग मुसलमान हरगिज नहीं है। मुसलमान वही होता है कि जो अपने नबी का वफादार होता है। वो जो उन्होंने किया वो गुस्ताखी रसूल का जवाब नहीं दिया, वो जो उन्होंने किया वो इज्जत रसूल के लिए नहीं किया, वो टेररिज्म था, वो हकीकी मानों में टेररिज्म था। क्यों? उन्होंने सिर्फ चार्ली हेब्डो को नहीं ख़त्म किया बल्कि इर्द गिर्द लोगों को भी ख़त्म किया। जब सलमान तासीर ने उस गुस्ताख को वासिले जहन्नम कर दिया, उसने दाएं बाएं लोगों को पे गोली नहीं चलाई, उसने दाएं बाएं लोगों को नहीं ख़त्म किया। जब उसने अपना काम कर डाला तो उसने अपना हथियार दे दिया, ये ले लो, ये ले लो, ये मैं तुम्हें अपना सरेंडर करता हूँ। ये टेररिज्म नहीं है। इसी तरह जब गाजी इलमदीन शहीद ने उस गुस्ताख रसूल को वासिले जहन्नम किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त उसको कहा, इलमदीन एक मर्तबा कह दो कि तुम पागल हो तो मैं तुम्हें सजाए मौत से छुड़ा लूँगा। गाजी इलमदीन ने कहा, ए मोहम्मद अली जिन्ना, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं पागल हूँ? हो सकता है मैं सारी ज़िंदगी में अपने आप को पागल कह सकता हूँ, लेकिन ये जो अमल किया है ये सबसे बेहतरीन अमल है, ये कभी पागलपने की निशानी नहीं हो सकती। तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद गाजी इलमदीन को मिलने आए उनकी कोठरी में, उनकी जेल में, और इसी तरह गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रदियल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ ऐसे ही वाकया हुआ कि उनको उनके पास ऑप्शन था कि वो वहाँ से फरार होते, भागते। ये जो टेररिस्ट थे जिन्होंने चार्ली हेब्डो का किया, ये और करते हैं। अगर ये सच्चे मुसलमान होते तो खड़े होके इंतज़ार करते कि हाँ हमने किया, क्या कर लोगे, अब हमने जो करना था कर लिया। लेकिन वो सच्चे मोमिन नहीं थे, वो सच्चे सुन्नी नहीं थे। सुन्नी वो होता है जिसने जो काम करना था उसने दे दिया, आओ ये देखो मैंने ये कर लिया, अब जो तुमने करना है, अब अगर इसके इवज में मुझे मौत भी हो तो मुझे मौत भी कबूल है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे और आपको गुस्ताखी रसूल समझने की तौफीक अता फरमाए, गुस्ताखाने रसूल को समझने की तौफीक अता फरमाए, और उनसे दूर और उनकी मुज़म्मत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हम नारा लगाते हैं अपने गाजी का, क्यों? ये अभी नई नई बात है। नारे तकबीर, नहीं मिलके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद, वमा अलैना।